Hello everyone, so this video is specifically for those who have qualified as a chartered accountant in January 21. Yeah, in fact, I can say, sir, 21st March ko raat ko sir 10 baje jo CA bane hain, sir, unke liye video hai. Sir, wo din ki khushi kuch aur hi thi, saab, wo kuch maza hi kuch aur tha. Waise result thoda delay ho gaya, but theek hai. But now, sabse important question aata hai ki sir, aage kya karo? सर प्रिपरेशन कैसे करूं, सर नौकरी दिला दो, पैसा कमाऊंगा तो सर मजा आएगा, नहीं तो फिर सर मजा नहीं आएगा. अब देखो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है वंस यू बिकम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, बिकॉज हर एक व्यक्ति देखता है कि यार ये कितना कमा रहा है, वो कितना कमा रहा है. अब उस चीज के लिए आपको एक ट्रेनिंग की जरूरत होती है, उस चीज के लिए आपको एक अपने आप में अपब्रिंगिंग या अपने आप में एक सेल्फ डेवलपमेंट या इंप्रूवमेंट की जरूरत होती है. And for that, we are specifically bringing our batch 4 for getting interview ready series. Last time, जब हमारे January 21 के जो November 20 के जो students थे, जिनका result आया था फरवरी में, 1st of February को, उनको हमने 3 batches के अंदर training दिए थे, है ना, काफी detailed training था, बढ़िया से उनको train किए थे. And जिसमें से we have trained approximately 120 chartered accountants, और उसमें से ऑलमोस्ट 80-90% ऑफ द चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को बहुत ही बढ़िया लेवल पे जॉब लग गई है. अगर आपको देखना है किसको कहाँ जॉब लगी है, हमने कैसे जॉब दिलवाने में मदद की है, तो अपकमिंग नेक्स्ट वीक से आपको इंटरव्यू सीरीज भी आ जाएगी उस चीज की. एंड ऑल्सो आप हमारे लिंक्डइन पेज पे जाके देख सकते हो. अब सर ये सवाल आता है कि अब हाउ आई एम सपोज टू प्रिपेयर फॉर माई इंटरव्यू, बिकॉज ICAI ने अपने इंटरव्यूज या कैंपस प्लेसमेंट्स के डेट्स आउट हो गए हैं, जो कि चालू हो रहा है 3rd of May से. अगर आप देखोगे मेरे स्क्रीन पे तो आपको दिखेगा कि 3rd of May से ICAI ने अपने कैंपस के डेट्स अनाउंस कर दिए हैं, सेंटर वाइज इन्होंने डेट्स दे दिए हैं. आपको कैंपस फिलिंग का फॉर्म आएगा 8th of April से. कुछ भी टेंशन नहीं लेना है, हम और हमारी टीम आपको हर एक चीज में ट्रेन करेगी कि फॉर्म कैसे फिलअप करना है, हर एक माइन्यूट से माइन्यूट चीज पे आपको गाइड करेंगे, बिकॉज इंपॉर्टेंट होता है तुम्हारा सिलेक्शन, इंपॉर्टेंट होता है तुमको जॉब दिलवाना. अब देखो हर एक पैरामीटर पे डिपेंड होता है कि यार फॉर्म में क्या चीजें इंक्लूड करूं, क्या चीजें इंक्लूड नहीं करूं, राइट? तो वो सब चीजों पे भी हम आपको ट्रेनिंग देंगे, गाइडेंस देंगे. सर अब मैं आपको बताता हूं इस बैच में क्या होने वाला है. ये बैच जो स्टार्ट होने वाली है 5th of April से स्टार्ट होने वाली है, 11th of April तक रहेगी. एक हफ्ता आपको कंटिन्यूअसली हम लोग आपको ट्रेनिंग देंगे, ब्रेनस्टॉर्मिंग होगा. और ऐसा नहीं है भैया कुछ थ्योरेटिकल नहीं, सब कुछ प्रैक्टिकल, सब कुछ प्रैक्टिकल. जैसे कि फॉर एग्जांपल तुमको बोला कि सीवी बनाना, मैंने तुमको बोला कि सीवी बनाओ, वैसा. अब तुम लोग अगर सीवी बनाने को बोला तो तुम गूगल करते हो हाउ टू मेक अ सीवी, यूट्यूब पे हजार वीडियोस मिल जाएंगे, बट कौन सा व्यक्ति तुमको आगे अपना सीवी तुम्हारा चेक करके देगा? कोई नहीं देता भाई, हम लोग तुमको करके देंगे. तुम्हारा सीवी रिव्यू करेंगे, तुमको बताएंगे कि ये चीज पे, इस पॉइंट पे तुमको इंटरव्यूअर क्वेश्चन पूछने वाला है, भाई तैयार हो जाओ, कमर कास के तैयार हो जाओ, इस पॉइंट्स पे, ये सब चीजों पे इंटरव्यूअर क्वेश्चन पूछेगा. ठीक है, तो हर एक चीज पे हम तुमको प्रैक्टिकल ट्रेनिंग देंगे. वी डू नॉट बिलीव इन अ थ्योरेटिकल ट्रेनिंग्स, है ना, बिकॉज जब तक तुम उस चीज को फेस नहीं करोगे सर, तब तक तुम्हारे लिए वो चीज काम की नहीं है. ठीक है, तो सबसे पहले हमारा वर्कशॉप के बारे में बताता हूं सर. 5th of April से स्टार्ट होगा, 11th of April तक जाएगा. सुबह रोज 10 से 11 आपको एक लाइव लेक्चर्स रहेंगे हमारे, 10 से 11 रोज हमारे लाइव लेक्चर्स रहेंगे, जहां पे आपको पूरा ट्रेनिंग दिया जाएगा. अब जो से फॉर एग्जाम्पल आपको ट्रेनिंग दिया, फिर उसके बाद हम आपको प्रॉपर एकदम सेशंस होंगे. ट्यूसडे और थर्सडे को हम आपको प्रॉपर जीडी सेशंस होंगे, लाइव जीडी सेशंस होंगे, जहां पे कम से कम आपके 6 GDs के राउंड हो जाएंगे. इमेजिन यू आर डूइंग अ 6 राउंड ऑफ GDs, इमेजिन यू आर डूइंग अ 4 राउंड्स ऑफ अ पर्सनल मॉक इंटरव्यूज. आप खुद का सर मॉक इंटरव्यू प्रिपेयर कर रहे हो, तो यार जब मेरे सामने असली नौकरी आएगी, मेरे को सवाल पूछेगा तो मैं तो उसमें फोड़ के ही आऊंगा. क्यों? क्योंकि तुम्हारा प्रिपरेशन इतना स्ट्रांग है. जब भी तुम एग्जाम भी लिखने जाते हो, तुम मॉक टेस्ट पेपर सॉल्व करते हो, तुम आरटीपी सॉल्व करते हो. क्यों? क्योंकि एग्जाम में कल जाके क्वेश्चन टफ आए तो मैं एकदम फोड़ दूंगा. सर उसी प्रकार से कल जाके कोई जॉब में कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछ ले तो हाउ एम सपोज टू आंसर इट, हाउ एम सपोज टू गिव द आंसर्स ऑफ द क्वेश्चन विच आई डोंट नो, हाउ एम सपोज टू फेस द इंटरव्यू. बिकॉज ये जो वर्चुअल एनवायरमेंट जिस प्रकार से इंटरव्यूज हो रहा है, आपको ये सब चीजों का बहुत ध्यान रखना पड़ता है. सर माइक कैसे ऑन करूं, माइक कैसे ऑफ करूं, सर मेरे को वर्चुअल बैकग्राउंड कैसे लगाना, ये सब छोटी छोटी चीजें होती है, बट दिस डेफिनेटली एडअप्स टू द वैल्यू. और ये तब सीखोगे जब तुम लाइव एनवायरमेंट में प्रैक्टिस करोगे, और वो लाइव एनवायरमेंट हमारे यहाँ ही है. आपके मतलब आप कहीं पर भी सर्च कर लो, इस लेवल का, इस प्राइस पे ये एनवायरमेंट आपको कोई नहीं दे पाएगा, ट्रस्ट मी. अब देखो मैं आपको सेशंस के बारे में बताता हूं. आपको 2 बैचेस में डिवाइड किया जाएगा, जो आपके टाइम में सुटेबल हो उस हिसाब से आप इस बैच में ज्वाइन कर सकते हो. आपको गूगल फॉर्म आ जाएगा विच बैच यू आर विलिंग टू ज्वाइन. ठीक है, एक बार आप बैच ज्वाइन कर लोगे आपको पूरा उसके बाद आप गाइडेंस मिल जाएगा कि कैसे होगा, क्या होगा.
अब नेक्स्ट आता है कि सर मेरे को कितना टाइम डिवोट करना पड़ेगा दिन में। देखो आई वुड रिकमेंड कि आप पूरा टाइम दो, है ना, ये हफ्ता स्पेसिफिकली आपकी जॉब के लिए है भाई। मैं आपको बोलता हूं यार, तुम 1,000-2,000 रुपए खर्च नहीं कर सकते क्या इफ योर चांसेस ऑफ गेटिंग अ जॉब, इफ यू आर इंक्रीजिंग इन अ सैलरी ऑफ 2-3 लैक्स। अगर तुमने 2,000 रुपए खर्च करके से फॉर एग्जाम्पल तुम्हारे 2 लाख रुपए बढ़ रहे हैं, इज इट वर्थ और नॉट? यस इट्स डेफिनेटली वर्थ इट यार। तो वही चीज मैं तुमको बोल रहा हूं कि अगर तुम पूरा टाइम दिन देते हो तो बहुत बढ़िया है। 5th ऑफ अप्रैल से लेकर 11th ऑफ अप्रैल तक है। अब अगर नहीं दे पाते हो तो 3 घंटा, 3 आवर्स इज प्रिटी गुड, बिकॉज जो हमारा सेशन टाइम रहेगा वो अगर आप मिस आउट करते हो यू विल गेट अ रिकॉर्डेड लेक्चर्स, उसका आप टेंशन मत लो। नेक्स्ट होता है आपके लाइव टेस्ट। देखो काफी कंपनीज सर एप्टीट्यूड टेस्ट और टेक्निकल टेस्ट के बेसिस पे सिलेक्शन होता है, जैसे विप्रो जैसी कंपनीज, है ना। तो ये सब क्या होते हैं, एप्टीट्यूड और तुम्हारे टेक्निकल टेस्ट के बेसिस पे फर्स्ट क्राइटेरिया, फर्स्ट सिलेक्शन या फर्स्ट शॉर्टलिस्टिंग होती है। तो उसके लिए भी हम आपको ट्रेनिंग देंगे। देखो हर एक चीज के लिए तैयार कर देंगे कि कल जाके इंटरव्यूअर बोले पूछा कुछ भी, भाई आई एम रेडी, मैं तुम तैयार बैठे हो भाई, तुमको 100% जॉब दिलवाने का मेरे मतलब मैंने सोच लिया कि भाई जॉब दिलवा के ही रहना है। अगर तुम्हारे नौकरी आई और तुम ऐसा ना हो कि बंदा सिलेक्ट ना हो, ठीक है, उस सिलेक्शन का प्रोबेबिलिटी बढ़ाना है। इसलिए ये हमारा जो वर्कशॉप है स्पेसिफिकली कंडक्ट हो रहा है। फिर आता है सर सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, रेज्यूम बिल्डिंग, के भाई रेज्यूम कैसे बनाना, रेज्यूम का तुम्हारा रिव्यू होगा, रेज्यूम में तुम्हारे को बकायदा गाइडेंस दिया जाएगा, और सर ये 1-on-1 गाइडेंस होगा। ऐसा नहीं कि भैया सबको बुला लिया, नहीं, सबको एक पर्सनली रिव्यू होगा, तुम्हारा रेज्यूम खुद चेक करके देंगे, ठीक है। तो ये सब चीजें होगा। नेक्स्ट होगा सर ग्रुप डिस्कशंस। आपको सर कम से कम हम 6 ग्रुप डिस्कशंस करवाएंगे, और जहां पे विल एंश्योर दैट यू आर स्पीकिंग आउट, विल एंश्योर दैट वी आर यू नीड टू इंप्रूव, विल गाइड यू ऑन ईच एंड एवरी पॉइंट कि यार ये चीजें तुमको इंप्रूव करना पड़ेगा, आपको इस तरीके से बोलना है, हाउ यू आर सपोज टू प्रेजेंट इट। सी इन ग्रुप डिस्कशन व्हाट हैपन इज कि टॉपिक कोई फिक्स नहीं होता। मैं जैसे बोल सकता हूं कि वाई दिस बॉटल इज ब्लू, इस पर मैं ग्रुप डिस्कशन दे सकता हूं, बट यू नीड टू प्रिपेयर, यू नीड टू थिंक। और ये सब आप कब सीखते हो, जब आप लोगों को देखते हो कि लोग इस तरीके से बोलते हैं, लोग इस तरीके से प्रेजेंट करते हैं। भाई से फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल कहे तो फैक्ट है यार, जो रैंकर्स आते हैं उनका तो यार एमडीपी हो जाता है, उनको तो बढ़िया से ट्रेनिंग मिल जाता है, बट वॉट अबाउट द नॉर्मल पर्सन यार, तुम्हारे लिए क्या है? तुम्हारा कोई ग्रुप है कैसी है का नहीं है, तुम्हारा कोई एकदम नेटवर्किंग क्या बोलते हैं, नेटवर्किंग या पियर ग्रुप है क्या? नहीं है। हम लोग वो क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये सब चीजें तुमको एक एज प्रोवाइड करेगी यार। जब जॉब मिलती है ना, जब हमारे जो लास्ट बैचेस हुई थी, लास्ट जो हमने 3 बैचेस लॉन्च किया था, उसमें क्या ग्रुप बना था, पीपल वर कनेक्टेड टू ईच एंड एवरी पर्सन इन सच अ बेटर मैनर कि यार किसी को कुछ रेफरेंस मिलता है वो इधर पास ऑन कर देता है कि भाई इधर हमारा ये है कि मेरे दोस्त इधर काम करते हैं, देखो ये कंपनी में जाना है तो ऐसे चले जा। बिकॉज जो सपना होता है वो आदमी ने कभी भी अपनी लाइफ में कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट होता है सर लिंक्डइन प्रोफाइल। काफी सारी जॉब सर आपको लिंक्डइन से मिलेगी। एक तुमको बढ़िया सा एग्जांपल देता हूं कि लिंक्डइन में अगर तुम ऐसे नॉर्मली किसी को भी जाना जाके पिच करते हो, तुमको कोई जॉब नहीं देगा या कोई भाव नहीं देगा, बट हाउ यू आर सपोज टू पिच समवन ऑन अ लिंक्डइन सो दैट तुम्हारे को वो सामने से बोले कि भाई आएगा क्या मेरी कंपनी में, ऐसे ऐसे टिप्स दूंगा कि तुम लोग एकदम पागल हो जाओगे। और ये ऐसा नहीं है, दिस आर द प्रूवन ट्रिक्स एंड टिप्स जो हमने काम किए हैं, हमारी जो लास्ट बैचेस थी ऐसे स्टूडेंट्स को टिप्स दिए जिससे लोगों को जॉब्स मिली है, ठीक है। फिर उसके बाद मॉक इंटरव्यू का प्रैक्टिस, मैंने बोला कि कम से कम आपको हम लोग 4 मॉक इंटरव्यूज करवाएंगे, और अगर आप इस बैच में फुल्ली डेडिकेटेडली होगी ना तो किसी माई के लाल में दम नहीं है कि तुमको मना कर सके भाई इंटरव्यू के दिन। इतने लेवल पे, इतने तगड़े लेवल पे तुमको फीडबैक देंगे, ट्रेनिंग देंगे, और ऐसा नहीं है कि हम देंगे, इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स को बुलाएंगे कि भाई जिस इंडस्ट्री में जाना है तेरे को उस इंडस्ट्री, सपोज फॉर एग्जांपल तुमको बिग फोर में जाना है तो बिग फोर के एक ऐसे पर्सन को बुला लेंगे जो तुमको गाइड करेगा कि भाई क्या क्या सवाल पूछे जाते हैं, कैसे पूछे जाते हैं। और तो और तुम्हारे लिए एक जादू की चीज दिखा रहा हूं, देखो यार हमने काफी सारी कंपनीज के ऐसे कंपनी गाइड्स बना लिए। से फॉर एग्जांपल सर मेरा इंटरव्यू हीरो मोटोकॉप में, से फॉर एग्जांपल मेरा इंटरव्यू हीरो मोटोकॉप पे, हमने पूरा 8 पेजर 10 पेजर के ऐसे डॉक्यूमेंट बना लिए कि हीरो मोटोकॉप में क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हीरो मोटोकॉप में सर सैलरी कितने मिलेगी, हीरो मोटोकॉप का सर विजन क्या है, मिशन क्या है, सर मेरे को इंटरव्यू के पहले प्रो टिप्स दे दो, मेरे को सर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की कुछ ऐसी चीजें बता दो जो मेरे को पढ़ना है। बिकॉज काफी कम समय होता है जब से मेरे को कंपनी मिलती है और मेरे इंटरव्यू प्रिपरेशन में, तो ये 8-10 पेज का डॉक्यूमेंट भाई हमारे 1-2 महीने के रिसर्च है जो तुम्हारे को जॉब दिलवाएगी। ये उन्हीं को मिलेगा जो हमारे वर्कशॉप में आएगा, और ये काफी मतलब कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट है, हमने बहुत मेहनत से बनाया है, है ना। तुम देख सकते हो कि कंपनी के बारे में मिशन दे दिया हमने, विजन दे दिया, और ये सब चीजें इंटरव्यू में पूछी जाती है, कंपनी का कौन टॉप लीडर है सब पता होना चाहिए तुम जब इंटरव्यू में जा रहे हो, है ना। हाईलाइट्स देंगे सर कंपनी के बारे में, शेयर होल्डिंग पैटर्न क्या है, कंपनी के कौन कौन से सोशल मीडिया है, फिर अब देखो यहाँ पे जॉब जॉब प्रोफाइल, जॉब कौन कौन सी जॉब प्रोफाइल्स है ना,
क्या-क्या उसमें हमारे काम है ना, प्लेसमेंट स्टेजेस कैसे होते हैं, प्लेसमेंट कैसे होगा, सबसे पहले शॉर्टलिस्टिंग होगा, फिर ग्रुप डिस्कशन होगा, ग्रुप डिस्कशन में कौन सी ऐसी टिप्स तुम्हारे को देनी है जो काम आएगी, है ना, साइकोमेट्रिक टेस्ट में क्या होगा, है ना, सीएफओ राउंड में होगा, प्लेसमेंट प्रिपरेशन क्या क्या करना है, कौन कौन सी चीजें मुझे पूछी जाएगी प्लेसमेंट प्रिपरेशन में, केस स्टडीज किस टाइप की पूछी जाएगी, और सर अगर नहीं जमा तो किस टाइप की उसमें आंसर देना। भाई ये हर एक कंपनीज के लिए हम बना रहे हैं भिड़के, और द आइडिया इज टू गेट यू जॉब, द आइडिया इज टू फुलफिल योर ड्रीम। ठीक है, इतना मेहनत कोई नहीं कर सकता भाई, अब मैं बता रहा हूँ ना, पूरे सब कुछ प्रैक्टिकल ट्रेनिंग, और मैं जब तक कोई भी काम तब तक नहीं करता जब तक वो सही ना हो, परफेक्ट ना हो और मजा ना है। ठीक है, एडिशनल मटेरियल्स और गाइडेंस नोट्स मिलेगी आपको, बहुत सारी चीज़ों पर टिप्स ट्रिक्स और ये सब मिलेगी, और इंटरव्यूज होंगे आपके, जो मॉक इंटरव्यूज होंगे, जो लास्ट डे पे हमारा एक मॉक इंटरव्यू होता है, वहां पे जिस सेगमेंट में आपको जाना है, जिस एरिया में आपको जाना है, उस सेगमेंट के हम मेंटर को ला लेते हैं और उनसे आपको इंटरव्यू दिलवा देते हैं, ताकि आपका तो एक पता पड़ जाए कि किस टाइप के क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, उस मेंटर से आपका एक कनेक्ट बैठ जाता है और आपको वो चीज आगे बढ़ने के लिए बहुत मदद करती है, और एंड में हम आपको एक स्कोर कार्ड दे देते हैं कि यार आपका परफॉर्मेंस कैसा था ऑन एन ओवरऑल बेसिस, वेयर डू यू स्टैंड अमॉन्ग द एंटायर बैच। ठीक है, तो ये हमारे पूरे बैच में होगा, नेटवर्किंग होगा, सब कुछ होगा यार, फोड़ के रख देंगे भाई इस बार तो, और मैं पर्सनली इन्वॉल्व रहूंगा, काफी सारी चीजें होगी, काफी ज्यादा मजा आएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग सर, अगर ये आपको बैच पसंद नहीं आती है, अगर आप सेटिस्फाइड नहीं हो और आपने पूरे कोर्सेज देखे हैं, 100% रिफंड दे दूंगा, सिर्फ एक मेल लिख देना कि क्या रीजन है आपको क्यों ये चीज़ अच्छी नहीं लगी। ठीक है, नो क्वेश्चन आस्क, 100% रिफंड अगर पसंद नहीं आया तो। कौन बोलता है भाई, ओपन चैलेंज है, इतना दम लगता है भाई बोलने को, है ना, तो वही चीज़ मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है आई एम गोना बी डिलीवरिंग अ क्वालिटी स्टफ, तो किसी कोई मना कर ही नहीं सकता। तुम बोलोगे कि सर आपने बहुत कम चार्ज किया, लास्ट टाइम जब हमने बैच किए थे स्टूडेंट्स बोल रहे थे सर आप बहुत कम पैसे ले रहे हो, है ना, तो लास्ट टाइम तो हमने पूरा ब्रेक इवन में किया था बिकॉज वी डू नॉट वांट टू अर्न एनीथिंग, बट दिस टाइम वी आर प्लानिंग समथिंग ग्रेट फॉर यू, है ना, काफ़ी अच्छे प्लेटफॉर्म्स और काफ़ी ज़्यादा मेंटर्स के लिए भी हम पे आउट कर रहे हैं, तो काफ़ी ज़्यादा कॉस्ट बिल्डिंग है, इसलिए थोड़ा सा चार्जेस बढ़ाया इस टाइम। ओके, एक और बढ़िया चीज़ या बुरी चीज़, अच्छी चीज़ बोलो, जो भी बोलो, ये बैच लिमिटेड रहेगी, ओनली 95 स्टूडेंट्स इनकॉर्पोरेट कर पाएंगे हम हमारे बैच वन में, और 95 स्टूडेंट्स इन बैच टू। सो लिमिटेड है बिकॉज काफ़ी सारे कंस्ट्रेंट्स होते हैं, काफ़ी सारे फैक्टर्स होते हैं, जूम का भी हमारा लिमिटेशंस होता है ना, हमारे लिए भी लिमिटेशंस होता है, हमारे पास भी बैंडविड्थ लिमिटेड है, तो बैच जो है, लिमिटेड नंबर ऑफ पीपल ओनली कैन रजिस्टर इट। सो प्लीज़ आई वुड रिक्वेस्ट यू, या जो भी बोलो, आप रजिस्टर कर लो बैच के लिए। आपको बैच का लिंक कहाँ मिलेगा, www.cmonk.com पे चले जाओ, वहाँ पे मिल जाएगा, या तो फिर आप हमारे डिस्क्रिप्शन पे चेक कर लो। ऑल्सो जो बैच के लिए रजिस्टर नहीं कर रहे हैं, या जिनको जॉब्स के अपडेट्स वगैरह चाहिए, जॉब्स कहाँ पे आ रही है, कैसे आ रही है, वो भी हम सब तुमको देंगे, तो हमारा टेलीग्राम चैनल है, डिस्क्रिप्शन पे आपको मिल जाएगा, वो भी आप ज्वाइन कर लो। ठीक है, तो आई होप यू विल ज्वाइन द बैच, आपको काफ़ी ज़्यादा मजा आएगा, ट्रस्ट मी, एंड डू शेयर विद योर फ्रेंड्स जो January 21 में पास आउट हुए हैं, या January 21 वाले CAs हैं, एंड मीट यू इन द बैच। टेक केयर, बाय बाय।